हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भारत भूषण आज आप लोगों के सामने एसिड बेस और साल्ट चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ। उसमें एक टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH है। इसी के बारे में जानेंगे कि इसका प्रिपरेशन हम लोगों को कैसे करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाना है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वेयर वी पास इलेक्ट्रिसिटी ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हम लोगों को करना क्या है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन जिसको ब्राइन कहा जाता है उस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, तब जाकर के हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। और इस तरह के प्रोसेस को क्लोर अल्केलाई प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर अल्केलाई प्रोसेस। यहाँ देखें, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का हम लोगों ने लिया, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन और वाटर लिए, है ना, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाए हैं, तो जाकर के हमें क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिमूव इवॉल्व हो जाएंगे, है ना, और एक्वस फॉर्म में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी। ठीक है, देखें कि क्लोरीन जो है वो हमारे एनोड पर बनेगा और हाइड्रोजन जो है वो हमारे कैथोड पर बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के नजदीक बनेगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनेगा, तो कैथोड के नजदीक ही बनेगा। अब हम लोगों को देखना है इसके प्रॉपर्टी को, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रॉपर्टी को, क्या है इसका प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सबस्टांस होता है ना, डेली सिक्वेंट सॉलिड है, डेली सिक्वेंट सॉलिड है, या मतलब कि अगर हम लोग इसे वाटर के कॉन्टेक्ट में अगर छोड़ते हैं तो तुरंत ही ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद यह थोड़ा सा डेली सिक्वेंट हो जाता है एयर को एब्जॉर्ब करने के बाद। कह रहा है कि सॉल्युबल होता है वाटर में और पानी में घुलने के बाद यह क्या करता है, अल्केलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है ना। पानी में घुलने के बाद यह क्या करेगा, अल्केलाइन सॉल्यूशन को बनाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, यह एसिड को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। यह क्या कर सकता है, दूसरे बेसिस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसी तरह से यह भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, है ना, और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम लोगों ने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया, तो NaCl और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, NaCl सोडियम साल्ट हो गया, है ना, और वाटर बना है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम साल्ट ही बना, या सल्फेट साल्ट है और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। कहा जा रहा है कि क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर प्रोलॉन्ग समय तक हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो वहां के एयर के कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक खास तरह का सॉल्यूशन बनाता है, तो इस तरह के सबस्टांस को क्या कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और हाइड्रेटेड सॉलिड फॉर्म में या सोडियम कार्बोनेट बनाता है ना, क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, सोपी और स्ट्रॉन्ग कोरोसिव नेचर का होता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, सोपी होगा और क्या होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, तो सोपी होगा और साथ साथ कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव नेचर का होगा, हमारे स्किन के ऊपर काफी हार्ड इफेक्ट दिखाएगा। ये एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइल आयन को रखता है, है ना, और ये क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर सकता है इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, है ना, जिस सॉल्यूशन में इसको रखे हैं। और वहां पर हम जानते हैं कि मेटेलिक आयन प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोरेट को हम लोग लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसे रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और NaCl साल्ट के रूप में रिलीज हो जाता है। इसी तरह से अब इसका यूज देखते हैं, है ना, कि हमारा ये जो एसिड बेस चैप्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका क्या यूज है हमारे दैनिक जीवन में। तो यह जो है सबसे पहले सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में काम आता है, पेपर बनाया जाता है, है ना, आर्टिफिशियल सिल्क का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल का फॉर्मेशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है।
यह जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के समय भी यूज होता है, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है ना, मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक को सॉफ्ट करने में इसका यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में है ना, मशीन और मेटल सीट को साफ करने के लिए अगर मशीन मेटल में ग्रीस लगा हुआ है तो उस ग्रीस को हटाने के लिए डिग्रीसिंग ऑफ मेटल में है ना, इसी तरह से इसका यूज जो है प्योर फैट और ऑयल के फॉर्मेशन में भी होता है, आर्टिफिशियल सिल्क के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। इसका अदर इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारा देखें क्लोरअल्केलाई प्रोसेस हुआ था, तो क्लोरअल्केलाई प्रोसेस के दौरान क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था, तो ये और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमारे दूसरे फंक्शन के लिए भी यूज हो जाते हैं। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।